दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं हांडी पनीर, एकदम बढ़िया बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी हांडी पनीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेते हैं। इसमें हमें एक मीडियम साइज का प्याज लेना है और उसको धीमी आंच पे फ्राई करना है। उसको हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, तो उसे धीरे धीरे सेकेंगे, एकदम तेज आँच पर करने से वो जल जाएगा। तो इस तरह से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होते ही हम इसे निकाल लेंगे। इसके साथ ही हम 8 से 10 काजू लेंगे और उन्हें भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये भी तैयार हो गए, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब हम इस दोनों को ही यानी काजू और प्याज को अच्छे से पीस लेंगे। तो उससे पहले हम इसमें डाल देते हैं गाढ़ा दही। तो मैंने 2 चम्मच इसमें दही लिया है और इसको लेके हम अच्छे से इसको फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए एकदम बढ़िया परफेक्ट पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रख लेते हैं। अब हांडी पनीर के लिए हमें एक हांडी लेनी है, मिट्टी का बर्तन, जिससे बहुत ही टेस्टी बनता है। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल ले लेते हैं और हम खड़े मसाले डालेंगे, जैसे दालचीनी, 2 से 4 लविंग, 2 छोटी हरी इलायची, 1/2 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। जैसे जीरा चटकेगा हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डाल रही हूँ और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। धीमी आंच पे रखना है, उसे जल्दी जल्दी हिलाना है ताकि ये मिक्स हो जाए और जले ना। और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर की प्यूरी। तो हम ये प्यूरी मिक्स कर देते हैं और अब हमें इसे अच्छे से पकने देना है, भूनना है ताकि ऑयल छोड़ने लगे। तब तक के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, तो उसे रहने देते हैं। तो देखिए इसमें ऑयल निकल गया है, इसे अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें हम डाल देंगे हमने जो पीसी हुई हमारी पेस्ट है काजू और प्याज का, वो डाल देंगे। इसे भी अच्छे से आप मिक्स करें। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद आप इसे अच्छे से पकने दें। इसमें हमें जब तक हमारा जो ऑयल है वो छूट के नहीं आ जाए तब तक पकाना है। तो हम इसे क्या करेंगे, ढक देंगे। ढक के कम से कम 5 मिनट के लिए हमें इसे रखना पड़ेगा। ये एक बात का ध्यान रखिए, आप इसे धीमी आंच पे पकाइए क्योंकि हमने इसमें काजू का पेस्ट डाला है तो नीचे चिपकने का डर रहता है। तो आप इसे धीमी आँच में ही पकाइएगा। तो ये देखिए हमारी बहुत ही बढ़िया ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। उसके साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी, 2 हरी मिर्ची मैंने डाली है और थोड़ा सा गरम मसाला यानी 1/4 चम्मच गरम मसाला, उसे अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद हम इसमें आप पनीर डाल सकते हैं। तो पनीर आप चाहें तो थोड़ा सा बटर में फ्राई करके डाल सकते हैं, अन्यथा आप इस तरह भी नॉर्मली डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा सॉफ्ट पनीर पसंद है इसलिए मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। और उसे इसमें डाल के आप अच्छे से मिक्स कर दें। अब आप ऊपर से इसमें 1 चम्मच घी डाल दें। घी डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। इसे ढक के 5 मिनट तक पकने दें। देखिए एकदम बढ़िया परफेक्ट हमारी जो हांडी पनीर है वो तैयार हो गई है। तो अब इसमें लास्ट स्टेप बाकी है हमारा, और वो है कटा हुआ हरा धनिया डालना। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, उसे डाल देते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा अदरक की लच्छी भी डाल रही हूँ, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। आप इसे मिक्स करें। तो ये हमारी हांडी पनीर बिल्कुल तैयार है, एकदम परफेक्ट और बहुत टेस्टी। तो आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करें।